आजकल की माताएं बुरा मत मानिएगा, लेकिन अधिकतर माताएं अपनी बेटी को यही शिक्षा देती हैं कि विवाह करके जाओ और एक हफ्ते के बाद तुम और तुम्हारे पति कहीं बाहर चले जाओ या फिर अलग हो जाओ, परिवार को लेके नहीं चलना। इतने बड़े परिवार में भोजन कौन बनाएगा, तुम कुछ मत करना। और अगर तुम्हें कोई कुछ गलत बोल दे तो तुम एक फोन करके मुझे बताना, फिर हम बताएंगे क्या करना है। आजकल की माताएं फोन पर शिक्षा देती हैं। आपको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, आपकी बेटी जिस प्रकार से किसी के घर में बहू बन करके गई है, उस घर में उस लड़की के भी माता पिता होंगे, उनकी भी कुछ आशाएं होंगी, कुछ उम्मीदें होंगी। आप अपनी बेटी को तो ये शिक्षा दे रही हैं, वहां जाने के बाद उसे उसके सास ससुर को अत्यंत कष्ट है, लेकिन वही जब आपकी बहू आपके घर में आती है और अगर आपके साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर देती है तब आपको बुरा लगने लगता है कि मेरी बहू मेरे साथ ऐसा कर रही है। जब आप अपनी बेटी को वो शिक्षा देकर के नहीं भेजी, आप अपनी बेटी को नहीं सिखाई, फिर आप दूसरे की बेटी से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपके साथ अच्छा व्यवहार करे। अपनी तरह सबको समझना चाहिए। परिवार का परिवार बिखर रहा है, न जाने कितने घर बर्बाद हो रहे हैं। उसका परिणाम ये है, न जाने कितने वृद्धाश्रम बन रहे हैं, माता पिता को रहने का स्थान तक नहीं मिल रहा है। बड़े बड़े घर हैं, बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन माता पिता के रहने का स्थान नहीं है। आज बच्चों की ये स्थिति है, और उसका कारण क्या है? मात्र संस्कार, आपके संस्कार। आप जो शुरुआत में उन बच्चों को दिखाते हैं, सिखाते हैं, वही आगे चल करके आपका बच्चा भी आपके साथ वही करता है। आप जब अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो वो छोटा सा बालक देखता रहता है कि मेरे दादी और बाबा जी के साथ क्या हो रहा है, तो बच्चा भी सोचता लगता कि ऐसे ही सबको करना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, जब मैं भी बड़ा हो जाऊंगा, आप वृद्ध हो जाएंगे, तो मैं भी आपके साथ वही व्यवहार करूंगा जो आपने हमारे दादी और बाबा के साथ किया। अगर सब समझदार हो जाएं, सबके अंदर ऐसे ही संस्कार आ जाएं, फिर वृद्धाश्रम की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और अधिकतर बड़े घर के, बड़े पैसे वालों के घर के जो माता पिता होते हैं वही वृद्धाश्रम में जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास समय नहीं है। कुत्ते पालने के लिए समय है, उसका ध्यान रखने के लिए समय है, लेकिन घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं माता पिता, उनके लिए समय नहीं है। आप भगवान को देखना चाहते हैं ना, अगर भगवान से मिलना चाहते हैं, भगवान की सेवा करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने घर में जो माता पिता हैं उनकी सेवा करिए। चलते फिरते मूर्ति हैं, साक्षात भगवान हैं आपके माता पिता। अपने बच्चों में संस्कार भरिए, बचपन से उन्हें सिखाइए, और आप अपने माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार करिए। मैं दावे के साथ कहती हूँ कि बड़ा होकर के आपका बेटा भी आपके साथ ऐसा ही व्यवहार करेगा, किसी को कोई कष्ट नहीं रहेगा। संस्कार भरिए, गलत चीजों को मत सिखाइए। ससुराल में हर एक बेटी को थोड़ी बहुत समस्याएं होती हैं, लेकिन थोड़ी सी समस्या का अर्थ ये नहीं कि आप पुलिस थाने तक पहुंच जाएं, उस रिश्ते को ही खत्म कर दें। लड़कियों को धैर्यवान होना चाहिए, सहनशीलता अंदर होनी चाहिए, उनका ये आभूषण है। मैना मैया माँ पार्वती से कहती है कि पार्वती, तुम्हारे आंखों में, तुम्हारे नेत्रों में काजल हो या ना हो, लेकिन तुम्हारे आंखों में लज्जा अवश्य होनी चाहिए।
तुम्हारे होठों में लाली हो या ना हो, लेकिन तुम्हारे होठों पर मुस्कान बनी रहनी चाहिए, ताकि बाहर से अगर कोई भी तुम्हारे व्यक्ति, कोई भी तुम्हारे घर में आता है, तुम्हें देख करके ही प्रसन्न हो जाए। क्योंकि बहुओं को लक्ष्मी कहा जाता है, इसलिए अपनी बिटिया को अच्छी से अच्छी शिक्षा दीजिए। अगर कोई परेशानी हो, कोई समस्या हो, तो उसे सिखाइए कि सबके जीवन में समस्याएं आती हैं, कोई ना कोई हल अवश्य निकलेगा, लेकिन कोई गलत कदम ना उठाए। लड़कियां दौड़ी भागे मायके चली आती, मायके में बैठ जाती हैं। मायके में आपका दिन कटेगा? कटेगा तो ससुराल नहीं, कब तक आपके माता पिता आपका साथ देने वाले हैं? माता पिता के जाने के बाद फिर आपका कौन रह जाएगा? इसलिए इन गलत चीजों को न सिखाएं, अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रदान करें। पहले स्वयं को सुधारें, समाज अपने आप सुधर जाएगा।